नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। आज बात दस्तक में सबसे पहले होगी भारत के चुनाव प्रधान चरित्र की। बचपन से आपने निबंध में लिखा होगा भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अब यह सच्चाई है कि भारत एक चुनाव प्रधान देश है जो किसी न किसी राज्य, जिले, गांव में चुनावी मोड में रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जैसे अभी से अभी उत्तर प्रदेश चुनाव के 7 महीने पहले ही प्रचार मोड में जा चुका है, जबकि टीकाकरण का प्रसार देश में बढ़ने के बजाय घट रहा है और तीसरी लहर के समय से पहले आ जाने की जताई जा रही आशंकाओं के बीच लापरवाही कोरोना के तीसरे प्रहार को आमंत्रित कर रही है। इसीलिए प्रचार, प्रसार और प्रहार के बीच खड़ी देश की जनता के हित की दस्तक आपको देनी है। पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां आज प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे और दूसरे दल भी मुद्दे तय करके अपने प्रचार की दिशा तय कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर टीवी के इंटरव्यू में असदुद्दीन ओवैसी के मजनू बन चुके हैं और बार बार लैला को याद करते हैं। वैक्सीन और वोट के बीच खड़े नागरिकों की ये वो कहानी है, जहां नागरिकों के लिए लाख दावों के बावजूद वैक्सीन पूरी नहीं पड़ रही और वैक्सीन लगाने का औसत 26 जून के बाद 41% तक घट गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट के लिए हर दल ने खुद को प्रचार मोड में तेजी से डाल दिया। सात महीने बाद होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले 8 महीने बाद अपने संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री पहुंचे तो विपक्ष पर वार भी हुआ और विकास योजनाओं के शिलान्यास के कारण इसे चुनावी आगाज कहा गया। उसी वक्त अखिलेश यादव के कार्यकर्ता हर जिले में प्रदर्शन करते दिखे। 16 जुलाई को लखनऊ पहुंचकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी महंगाई का मुद्दा उठाने वाली है। मायावती अभी संगठन स्तर पर बैठक कर रही हैं, ओवैसी उत्तर प्रदेश में रोड शो करने लगे हैं। यानी भले वैक्सीन जरूरत मुताबिक बटे ना बटे, प्रचार ना घटे का चश्मदीद उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है, जहां वाराणसी में मंच पर मुख्यमंत्री की तरफ से स्वागत करने पर प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और संबोधन में मुख्यमंत्री के नाम के साथ यूपी के यशस्वी, ऊर्जावान और कर्मठ मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। यशस्वी, ऊर्जावान, कर्मठ बताते हुए 6 तारीफ की तो ये साफ हो गया कि पीएम मोदी के नाम और सीएम योगी के चेहरे और काम के साथ ही विरोधियों को विकास के रिमोट का बटन दबाकर टक्कर दी जाएगी। अनावरण, लगभग 1,500 करोड़ की परियोजनाएं काशी के विकास और समृद्धि के लिए, जिसमें शामिल है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का लोकार्पण भी। खबर है कि अब अगले कुछ महीनों तक बड़ी बड़ी विकास योजनाओं का रिमोट यूं ही प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष के हाथों उत्तर प्रदेश में दबवा कर हलचल रहेगी। देश का सबसे बड़ा प्रदेश जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। तारीफ इस बात पर तो बनती है कि उत्तर प्रदेश देश में 3,88,00,000 डोज वैक्सीन की लगाकर नंबर वन बना हुआ है, लेकिन सच्चाई अभी ये भी है कि अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश देश में वैक्सीन लगाने के काम में 11वें नंबर पर चल रहा है।
लेकिन चुनाव में पहला नंबर पाने के लिए विपक्ष भी कमर कसे है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता महंगाई और पंचायत चुनाव में धांधली के आरोप कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में सड़क पर प्रदर्शन करते हैं। दावा है कि कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के अब लगातार सड़क पर महंगाई समेत दूसरे मुद्दे उठाएंगे, खासकर कानून व्यवस्था, और बाद में अखिलेश यादव भी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर आएंगे। ऐसी रणनीति कांग्रेस की भी है, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 16 जुलाई से 18 जुलाई के बीच लखनऊ में मौजूद रहेंगे। कांग्रेस महंगाई और युवाओं से जुड़े बेरोजगारी के मुद्दे पर फोकस करने वाली है। चिंता यह है कि अब ऐसे प्रदर्शनों के बीच इलेक्शन के चक्कर में कहीं कोरोना का सिलेक्शन ना पार्टियां कर दें। वाराणसी में प्रधानमंत्री की सभा के दौरान जब पीएम पहुंचते हैं तो स्वागत करने वालों के बीच दूरी नजर आती है। मंच पर भी बैठे लोगों के बीच दूरी दिखती है। सामने नीचे बैठी लोगों की भीड़ के बीच भी सोशल डिस्टेंसिंग दिखती है। लेकिन अब इन तस्वीरों को आप देखिए, जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रोड शो करते हुए बढ़ते ओवैसी जहां पहुंचते हैं वहां ओवैसी तो मास्क लगाए दिखते हैं, लेकिन उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ में लापरवाही की पतंग ज्यादा उड़ती है। ओवैसी के साथ सेल्फी लेने की बेचैन भीड़ में मोबाइल ज्यादा दिखते हैं, मास्क कम, इसीलिए कहना पड़ रहा है वैक्सीन कम है, चुनाव प्रचार ज्यादा है। वाराणसी से कुमार अभिषेक और हापुड़ से अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना की दो लहरों के बीच अब तक देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जबकि 8 राज्यों में पंचायत निकाय चुनाव कराया जा चुका है। यानी कोरोना की रफ्तार के आगे चुनाव नहीं थमता, प्रचार नहीं थमता, बस थमती है तो देश में कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन की रफ्तार। पहले इस पर राजनीतिक हलचल देख लीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि 14 करोड़ वैक्सीन की जरूरत है, मिली सिर्फ 2 करोड़ 12 लाख। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की और कहा कि हमें 1 करोड़ वैक्सीन का अलग कोटा दीजिए। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं कि हमें हर महीने 3 करोड़ टीके लोगों को लगाने के लिए केंद्र से चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि वैक्सीन की कमी नहीं है, राज्य कहते हैं कि टीका कम है। ऐसे में क्या वाकई कुछ दिनों पहले तक गोमूत्र पीकर ही फेफड़ों को मजबूत करने का दावा करने वाली भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जब वैक्सीन लगवाई तो सिर्फ उनका टीका लगवा लेना ही खबर नहीं है, बल्कि सियासत इस बात पर है कि जब प्रधानमंत्री तक अस्पताल जाकर वैक्सीन लगवाते हैं तो सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्या इतनी वीवीआईपी हैं कि घर पर ही स्वास्थ्य टीम को बुलवाकर टीका लगवा लेती हैं। अगर सियासत छोड़ भी दें तो बहुत लकी हैं कि घर बैठे वैक्सीन पा गई, वरना हालत ये भी है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर ताला बंद है और बाहर जहां पहले चिपकाया गया कि यहां टीका फ्री में लगता है, वहां नीचे ही दोबारा चिपकाना पड़ा कि भैया टीका खत्म हो गया, असुविधा के लिए खेद है। ये तस्वीर बिहार के वैशाली जिले की है। एक नहीं, ये दूसरा सेंटर देखिए, वैक्सीन की गलत स्पेलिंग लिखते लिखते जहां स्केच की स्याही भी सूखने लगी वहां लिखा गया वैक्सीन खत्म है, और हाजीपुर के आदित्य बाबू टीका एक खोज के लिए परेशान हो गए। मेरी ऑनलाइन बुकिंग है फोन पे और आज का ही डेट है मेरा, मैंने ऑनलाइन बुकिंग किया था, लेकिन मैं यहाँ पे आया तो यहाँ ताला बंद है और कोई वैक्सीन नहीं लग रहा सुबह से। हालत ये कि जहाँ वैक्सीन की रफ्तार बढ़नी चाहिए वो घट रही है। 21 जून को देश में 85 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी तो बहुत वाहवाही हुई, लेकिन फिर 26 जून तक 7 दिन के आधार पर औसत 64 लाख टीका रोज लगा। इसके बाद 13 जुलाई तक यह औसत टीकाकरण घटकर 37,68,000 आ गया, जो अपने उच्चतम स्तर से 41% कम है। तो देखिए तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की, जहां 24 घंटे पहले ही
बाहर पोस्टर लगा मिला कि आज वैक्सीन नहीं लगेगी और जनता तीन तीन दिन से दौड़ती पाई गई। परसों भी गई, कल भी गई और आज भी आई, तीन दिन से हम लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं वापस जा रहे हैं। क्या आपको क्या जानकारी? तीन दिन से दौड़ रही हूँ, करे कलाना यही बताते हैं, कुछ ना टोकन देते हैं ना अंदर घुसने देते हैं। अब मैं कल तीन दिन से दौड़ रही हूँ, कल खत्म हो गई। 21 जून को वैक्सीनेशन के महाअभियान वाले दिन सबसे ज्यादा टीका लगाने वाले मध्य प्रदेश के राजगढ़ में टीका लगाने आई जनता को वापस घर भेजने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी, क्योंकि टीका खत्म था और जनता के भड़कने का डर था। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि भाई हमने तो अब तक राज्यों को कुल 40 करोड़ 31 लाख वैक्सीन दे दी और 83,85,000 देने वाले हैं, जबकि राज्यों के पास अभी भी 1,92,00,000 डोज बाकी है। अब राज्यों के पास बाकी है तो क्या वो मैनेज नहीं कर पा रहे, जो हरियाणा के गुरुग्राम में वैक्सीन की किल्लत के बाद जनता को गुस्सा आता है? और अगर वैक्सीन की कमी नहीं है तो फिर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के शासित राज्य के स्वास्थ्य मंत्री एक ही बात क्यों कहते हैं? मैंने कई बार कहा ये कि राजस्थान में स्टोरेज कैपेसिटी पूरी है, राजस्थान में वैक्सीनेशन साइट्स पूरी है, हमारा मैन पावर ट्रेंड है, अगर कमी है तो वैक्सीन की है, वैक्सीनेशन सेंटर पे मजबूरन बोर्ड लगाना पड़ता है। इसलिए हमको जितना वैक्सीन मिलेगा उतना हम 12 लाख प्रतिदिन के हिसाब से हम कर सकते हैं। इधर सप्लाई कम आ रही है, लगातार हम लोग की बातचीत हो रही है उनके केंद्र स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ और कई जगह, मगर अभी जितना जब तक सप्लाई आगे बढ़ाएंगे नहीं, जब तक जितना आता उतना ही हम दे पाएंगे। जब वैक्सीन की कमी की बात बीजेपी और कांग्रेस शासित दोनों राज्यों के मंत्री कर रहे हैं तो कुछ तो गड़बड़ है ही। जहां हर दिन 1 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य दिखाया गया, वहां हकीकत ये कि जुलाई महीने में भी रोज 44 लाख टीके ही लग सकते हैं। जयपुर से शरद कुमार और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। दो जिलों या राज्य के सीमा विवाद में फंसे शव की कहानी आपने कई बार अखबारों में पढ़ी होगी, लेकिन दो राज्यों की राजनीति में अगर अस्थि कलश जनता का अटक जाए, दो दलों की सियासत में अगर मृतक को मोक्ष देने का अंतिम प्रक्रिया ही फंस जाए, तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए। ये कहानी उस राजनीति की जो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक से आए लोगों को नागरिकता दिलाने की बात करती है, लेकिन भारत के ही एक राज्य में कोरोना काल में जान गंवाने वालों की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित होने देने से रोक देती है। ये कहानी है उस सियासत की जो कोरोना काल में करोड़ों लोगों को कांवड़ यात्रा की इजाजत देने को तैयार हो जाती है, लेकिन दूसरे राज्य के अस्थि कलशों को जाने का रास्ता नहीं देती। जयपुर के शमशान घाट में अस्थियों का अंबार इकट्ठा होता जा रहा है। सीकर में अस्थियां यूं खूंटी पर टंगी हैं, लेकिन इन्हें विसर्जन का मौका नहीं मिल रहा। बाड़मेर में अलग अलग कलश डिब्बों में रखी गई अस्थियों पर अब धूल चढ़ गई। मोक्ष रुका है क्योंकि राजनीति हावी है, कैसे पहले ये जानते हैं। राजस्थान में सरकार ने कोरोना काल में मृतकों की अस्थियों के विसर्जन के लिए मोक्ष कलश बस सेवा शुरू की। राजस्थान से मृतकों को मोक्ष दिलाने के लिए उनकी अस्थियों को हरिद्वार में विसर्जन के लिए पहुंचाना था, लेकिन जयपुर समेत राजस्थान के कई जिलों के शमशान घाटों में मटकी में डिब्बे में कलश में उन गरीब लोगों की अस्थियां अब तक अटकी हैं जिनका जीवन कोरोना काल में खत्म हुआ। गरीब परिवार अपने निजी साधन से हरिद्वार तक नहीं जा सकते, राजनीति ने आत्मा की मुक्ति को भी अटका दिया। बिल्कुल, बस नहीं जाने से भी लोग परेशान हैं, वैसे नहीं चल रही तो कोशिश करते हैं कि इस टाइम पर पेट्रोल वगैरह बढ़ रहा है तो महंगाई भी, तो प्राइवेट कार से या टैक्सी से जा नहीं पा रहे हैं लोग, तो बसें बंद हैं कुछ जगह पे, तो और वहाँ हरिद्वार में प्रॉब्लम भी काफी चल रही थी, इसलिए लोग जा नहीं रहे। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि राजस्थान सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग को कई चिट्ठियां लिखी गई, दरख्वास्त हुई कि अस्थि विसर्जन के लिए यूपी के रास्ते हरिद्वार जाने दीजिए। दावा है कि अस्थि विसर्जन के लिए बसों को इजाजत का जवाब तक उत्तर प्रदेश से नहीं आया। एक तरफ तो आप राम की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, और राम के मानने वाले जो लोग हैं
वो हरिद्वार में अस्थियां विसर्जन करने जाना चाहते हैं तो क्या आप उन राम भक्तों को अलाउड नहीं करोगे? तो राजस्थान में भी राम भक्त हैं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में राम भक्त हैं, तो आप उनको परमिशन दोगे तो हरिद्वार तक पहुंचेंगे। दावा है कि 2500 से ज्यादा अस्थि कलश राजस्थान में अटके हैं मुक्ति की तलाश में, और यूपी की तरफ से उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा की बसों को जाने की इजाजत दी गई, लेकिन राजस्थान की अस्थियां अब तक हरिद्वार पहुंचने का रास्ता नहीं पा रही। यूपी सरकार को हाथ जोड़कर थक गए, लिख लिख कर थक गए कि हरिद्वार जाने के लिए हमें इजाजत दो, हमारी राजस्थान की रोडवेज सरकारी बस सेवा है। आप हरियाणा को, उत्तराखंड को परमिशन देते हो, राजस्थान को परमिशन नहीं देते। परिवहन की समस्या अगर राजस्थान के साथ है, ये मुझे बहुत जानकारी नहीं है इसके बारे में। जिंदा रहते जिनके वोट के लिए घर के द्वार द्वार तक जाते थे, उन्हें मृत्यु के बाद हरिद्वार तक जाने में सियासत हो तो जरूरी है कि दस्तक दी जाए। शरीर से प्राण की मुक्ति तो मिल गई, मगर आत्मा की मुक्ति के लिए ये अस्थियां मुक्ति धाम में रखी हुई हैं। इन्हें गंगा में विसर्जित किया जाना है, मगर जीते जी इंसान सियासत से दो चार होते ही रहता है। अब मरने के बाद भी उनकी अस्थियां भी सियासत से दो चार हो रही हैं। राजस्थान सरकार ने राहत तो दे दी, मगर जब तक उत्तर प्रदेश सरकार इजाजत नहीं देगी, बसें इन अस्थियों को लेकर गंगा मैया तक नहीं पहुंच पाएंगी। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। अब आज की वो खबर जिसमें एक बहुत बड़ी दस्तक पश्चिम बंगाल की हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दी। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच करने वाली NHRC की कमिटी ने आज अपनी रिपोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट को सौंप दी। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में हिंसा के दौरान हुई हत्या और रेप जैसे जघन्य अपराधों की जांच CBI से कराए जाने की बात कही है। आपको हम सुनवाई कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया आई, उससे पहले रिपोर्ट के प्रमुख हिस्से आपको बताते हैं। मानवाधिकार आयोग की कमेटी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की स्थिति को कानून के शासन की जगह शासक के कानून का प्रदर्शन करार दिया है। CBI से जांच की मांग कराने की बात रखते हुए कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा है कि इन मामलों में मुकदमा राज्य से बाहर चलाया जाए। हाईकोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ के निर्देश पर NHRC अध्यक्ष की तरफ से बनी समिति ने यह भी कहा कि हिंसक घटनाओं का विश्लेषण पीड़ितों की पीड़ा के प्रति राज्य सरकार की भयावह निष्ठुरता को दर्शाता है। कमिटी ने रिपोर्ट में लिखा है कि सत्तारूढ़ पार्टी के समर्थकों की तरफ से हिंसा मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों को सबक सिखाने के लिए की गई थी, जिसमें लोगों की शिकायतों और पुलिस की तरफ से दर्ज FIR में भारी अंतर है। अब इस रिपोर्ट के बाहर आने को भी राजनीति का हिस्सा ममता बनर्जी बता रही है। But I am sorry that instead of giving the report to court, they have already leaked all the reports to Human Rights Commission to outside. They should have respect their court. How they can disrespect? Instead of hearing started, even the opposition, we are the government. We have to give our opinion also. This is the justice. And court gave us time also for that. I think they will give us time, or they have given the time for affidavit or something. So before that, how they leaked all the news, what they have submitted in the court, if it is not political vendetta, only to malign the people of Bengal. ममता बनर्जी जी को ये बताना चाहिए कि वो कैसे ये बात कह रही हैं कि जो रिपोर्ट मीडिया ने लीक करी है वही रिपोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट में सबमिट हुई है। ममता बनर्जी को 3 दिन बाद कैसे पता चला कि ये वही रिपोर्ट है जो कोलकाता हाईकोर्ट में सबमिट हुई है? NHRC को भूमिका पर हम लोगों का कोई विश्वास नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा है कि बंगाल में उन्होंने जो चाहते वो कह सकते हैं। देयर कोई हिंसा नहीं हुआ। TMC के भी लोग शामिल थे इस तरीके के भी, वो कोई हिंसा नहीं हुआ। लॉ ऑफ रूलर है ऐसा बता रहे हैं, रूल ऑफ लॉ नहीं है। रूल ऑफ लॉ पूरा तरह से 100%। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे वडनगर का कर्ज, मोदी का फर्ज। देखते रहिए आज तक।